अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है चांद रात, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि चांद रात के दिन मेरे घर पे क्या क्या बनता है। तो चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म जो है दही वड़ा को, जो है मतलब दही को नहीं, सॉरी, वड़ा को मैं फ्राई कर रही हूँ एक्चुअली। और दही वड़ा के साथ में मेरे घर पर मतलब माकूती और दही वड़ा, ये जो है दो चीज़ जो है, ये दो डिश एकदम कंपलसरी है जो मेरे घर पे मतलब हमेशा बनता ही बनता है गेस्ट को देने के लिए। और मैं बता दूं कि उस वक्त रात का करीब 1:30 बज रहा था गाइस, और मैं ना तुरंत अफ्तार के बाद से ही मैं लग गई थी ये सब बनाने के लिए। और दही वड़ा तो मैंने खैर अकेले ही बनाया था, बट हमाकुती जो है मैं सिर्फ अकेले नहीं बनाई थी, उस मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग तीनों मतलब मिलकर जो है उसे उतना दूध को मतलब खाना होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक मतलब एक इंसान से तो होने वाला नहीं, वो थक जाएगा, क्योंकि कितना हो रोज़ा खोल के मतलब ये सब करना होता है। रात का 1:30 बज रहा, तो एक्चुअली हम लोगों से थोड़ा सा हो गया था लेट बनने में इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, दही वड़ा का जो है चटनी भी बनकर रेडी हो चुका था, इमली का, और हम लोगों ने सारा मसाले को भी भून के रख लिया था। तो मैं अब बताती हूँ कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ एक्चुअली चांद रात के दिन थोड़ा बाहर घूमने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना चांद रात के दिन में, क्योंकि मतलब वो तो बस आखिरी रात रहता है। तो ये देखिए, मैं घर पर ताला भी लगा दी, क्योंकि घर पे तो सब सो रहे थे बच्चे, तो मैंने ताला लगा दिया, मेरा हस्बैंड और हम लोग दोनों जो है हस्बैंड वाइफ निकल गए बाहर घूमने के लिए, ये देखने के लिए कि मतलब कैसा क्या सजा है नहीं सजा है। और मैं, मेरा मेन जो मकसद था मेरा बाहर निकलने का, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं क्यों निकली थी बाहर इतने रात को वो भी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारा मतलब कितना प्यारा डेकोरेट किया गया था, सारा लाइटिंग वगैरह का भी जो इतना भी हुआ रहा था ना सजावट, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने रात को भी देख लीजिएगा इस, कितना भीड़ दिख रहा था सड़क पे, अच्छा खासा भीड़ था। मतलब मुझे ना चांद रात के दिन जाना बहुत अच्छा लगता है, जो भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बूढ़े बच्चे, जवान, जितने भी लोग जो मतलब जो भी खरीदारी करते हैं ना ईद के लिए, मुझे ना वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर के मैं कोशिश करती हूँ मैं और रमज़ान में निकलूँ चाहे ना निकलूँ, लेकिन मैं चांद रात के दिन तो ज़रूर से निकलती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये मैं आ चुकी थी अब मोड़, जो हमारे मतलब हम मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। तो हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे, हम लोगों को एक्चुअली चिकन लेना था, सब कुछ तो हो गया था, बस एक चिकन रह गया था, तो हम लोगों को देसी चिकन चाहिए था गाइस। तो मेरे घर पे जो है ईद के दिन ब्रेकफास्ट में देसी चिकन और पूड़ी, ये कंपलसरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है। और साथ में बस ये दही और माकुती, दही वड़ा और माकुती रहता है। तो हम लोग निकल गए थे चिकन लेने के लिए इतने रात पर, हम लोगों को गाइस कहीं भी नहीं चिकन मिल रहा था, क्योंकि 1:30 बज गया था ना रात का, तो काफ़ी मतलब परेशानी हो रहा था हम लोगों को, किसी भी मतलब शॉप में नहीं मिल रहा था चिकन, तो हम लोगों को थोड़ा सा माइंड अपसेट हो रहा था। बट फिर भी हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते, इतना सारा तो शॉप है चिकन का, कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह ज़रूर ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ ना कि वो पुलिस वाला ना आगे जाने ही नहीं दे रहा था हम लोगों को, क्योंकि वहाँ से रास्ता को जो है ब्लॉक कर दिया गया था। तो फिर हम लोगों ने फिर दूसरे रास्ते से वहाँ से हम लोग निकल गए, और फिर एक जगह पे बाइक पार्किंग में लगाए, और देखिए फिर हम लोग जो है पैदल, हम लोगों को चल के जाना पड़ रहा था अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो है मना था। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सा मतलब हेयर बेल्ट था, मैंने सोचा मैंने अपनी बेटी के लिए ले लूँ, पर मैं उसके लिए कुछ लेती नहीं, क्योंकि ना उसे कुछ वैसा लगाना पहनना वैसा कुछ पसंद नहीं आता, वो सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसके लिए और मैंने कुछ नहीं लिया था। ये देखिए, ये सब जो दिखता है ना मार्केट में, ये सब मुझे देखना गाइस बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ लूँ चाहे नहीं लूँ, लेकिन मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं बता दूँ कि मैंने लिया था, मैंने अपने लिए एक मतलब झुमका मैंने खरीदा था,
मैंने झुमका नहीं लिया था तो मैं झुमका ले ली, और मैं अपना मुंह को कवर की हुई थी, मैं मुंह खोल के नहीं घूम रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी भीड़ था, मुझे न पता नहीं क्यों ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो मैंने मुंह नहीं खोला था। तो ये देखिए खोजते खोजते लास्ट में ये देखिए मुर्गी जो है हम लोगों को जो है मिल गया था, वो दो खाली खाली देसी मुर्गी मिला। और वो लेने के बाद जो है गाइस हम लोग जो है फिर घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि रात का करीब 2:30 भी बज चुका था, 2:30 नहीं बजा था, 2:15 हो रहा था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन मतलब 2:30 तो बज ही गया था। तो गाइस आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है लाइटिंग से, मतलब लग रहा था कि इस बार पूरे शहर को सजा दिया गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार ईद में इतना अच्छा मतलब कि इन लोगों ने सोचा और इतना इम्पोर्टेंस दिया गया ईद को, क्योंकि मुसलमान का ये सबसे बड़ा पर्व होता है गाइस। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर, इतना सजा हुआ सारा लाइटिंग वगैरह से मुझे बहुत पसंद आया। और फिर मैं गाइस आ गई घर, और घर आने के बाद जो है मुझे वो उस माकुती को थोड़ा सा और कंप्लीट करना था जो मैं बीच में छोड़ के चली गई थी, वहाँ से आने के बाद में है थोड़ा सा और मैंने उसे अच्छे से चलाया और फिर वो कंप्लीट हो गया। और मैं अपना व्लॉग भी जो है गाइस यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं जो है आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अभी तो फ़िलहाल ईद का ही व्लॉग चलेगा मेरा कुछ दिन के लिए, क्योंकि रमज़ान में मैं डाल नहीं पाई थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।